अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीक साहब को वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक नई अपडेट के साथ, एक बहुत अच्छी न्यूज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जर्मनी की तरफ से एक बहुत ही अच्छी अपडेट आई है, जो मैंने जरूरी समझी कि आप लोगों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करूं। जर्मनी बाशमूल बेशुमार अदर कंट्रीज जो यूरोपीय यूनियन की है, उनका इस वक्त काफी ज्यादा अच्छी अच्छी पैकेज लाने का प्रोग्राम है, जिसमें वन बाई वन कंट्रीज अनाउंसमेंट कर रही है, जिसमें जर्मनी का आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि उसने क्या नई अच्छी अनाउंसमेंट की है, जो कि इंग्लैंड के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी खबर कही जा रही है। असल में जर्मनी बाशमूल दूसरे जो शेंजन स्टेट्स हैं, जहां पे शॉर्टेज है इस वक्त वर्कर्स की, वो मुख्तलिफ तरीकों के साथ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इमीग्रेंट्स को कि उनके ममालक में आए और वो वहां पे रह के काम कर सकें। जर्मनी अब तक तारीख का सबसे ज्यादा टफ और मुश्किल इमीग्रेशन कवानीन वाला मुल्क रहा है, लेकिन अब डे बाई डे जर्मनी, क्योंकि ये जान चुका है कि जब तक हम रिस्ट्रिक्शन इसी तरह रखेंगे, इमीग्रेंट जो है वो उसकी तरफ मतवज्जो नहीं होंगे और वहां पे सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि जर्मनी ने स्टेप वाइज जो है अपने कवानीन को नरम करना शुरू किया। अभी रिसेंटली उसने अनाउंसमेंट की थी, जो कि 8 साल बाद आप जर्मन नेशनैलिटी ले सकते हैं, उसने अनाउंसमेंट कर दी थी 5 साल के बाद आप वहां पे जब लीगल रहना शुरू कर देते हैं और 5 साल के बाद आप जर्मनी की नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अपडेट थी, जो कि मिनिमम टाइम पीरियड है यूरोपीय यूनियन और शेंजन स्टेट की तरफ से इतने टाइम पीरियड में किसी को नेशनैलिटी देना। अब तक पुर्तगाल ऐसा मुल्क था शेंजन स्टेट्स में जहां पे 5 साल के बाद आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब जर्मनी भी उसमें शामिल हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी अच्छी अपडेट है। इसके बाद अब एक और नई अपडेट आई है, जो कि इससे भी अच्छी अपडेट है। वो ये है कि अगर आप जर्मनी में 5 साल आपको हो चुके हैं रहते हुए और 5 साल के बाद आपके यहां बेबी पैसा पैदा होता है, बेशक अभी तक आपने जर्मन नेशनैलिटी नहीं ली, अप्लाई की हुई है या नहीं भी अप्लाई की, लेकिन आपके पास ये प्रूफ है कि आप 5 साल हो चुके हैं आप लीगली जर्मनी में रहते हुए, तो आपके यहां जो बेबी पैदा होगा वो डायरेक्ट जर्मन नेशनैलिटी अप्लाई कर सकेगा। यानी कि वो बच्चा जो है आपके यहां पैदा होता है, 5 साल लीगल रहते हुए हो चुके हैं आपको जर्मनी में, तो आप उसकी जर्मनी की नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी अपडेट है और इस कानून पे जल्द अमल दरामद जो है वो शुरू हो जाएगा। इस तरह से आने वाले वक्त में जो वहां पे बच्चे पैदा होते हैं, उनकी जर्मन नेशनैलिटी की राह भी हमवार हो जाएगी। ये एक बहुत अच्छी अपडेट है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है जानना, अगर आप प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में जर्मनी की तरफ मूव करने का और वहां पे रहने का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।